सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको भारत की 7 ऐसी सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा हैं, जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित भी किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कपिल देव भारत की वो स्पोर्ट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने अद्भुत खेल से भारत को वर्ल्ड कप जितवाया था। कपिल देव देश भर में सबसे अधिक लोकप्रिय और रेप्यूटेड पर्सनैलिटीज में से एक हैं। कपिल देव को 2008 में भारत की टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया था और कपिल देव इस ऑनरी रैंक को प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर जो कि मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन तेंदुलकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। सचिन तेंदुलकर को इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रैंक से सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर बिना कोई एविएशन बैकग्राउंड वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रैंक से सम्मानित किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी। भारत के क्रिकेट आइकन और कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी को टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल की ऑनरी रैंक से सम्मानित किया है। महेंद्र सिंह धोनी इस रैंक के साथ आर्मी के पैरासूट रेजिमेंट का हिस्सा हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान 5 पैरा जंप्स भी लगाई हैं। अभिनव बिंद्रा। 2008 ओलंपिक्स के शूटिंग गेम में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले अभिनव बिंद्रा को 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से सम्मानित किया गया था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी पैरासूट रेजिमेंट में शामिल हुए जबकि अभिनव बिंद्रा सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। मिल्खा सिंह जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, इनका इंडियन आर्मी से बहुत पुराना रिश्ता है। मिल्खा सिंह ने इंडियन आर्मी को एज ए सोल्जर ज्वाइन किया था और बाद में इन्होंने अपने स्प्रिंटर स्किल से कई इंटरनेशनल फोरम में भारत को गर्व महसूस कराया है। मिल्खा सिंह के नाम पर बॉलीवुड फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बनाई गई है जो इनके जीवन पर आधारित है। मिल्खा सिंह ने 1958 के एशियन गेम्स में कई अचीवमेंट्स हासिल की थी और इनके अचीवमेंट्स के लिए इन्हें बाद में सिपाही से JCO रैंक पर कमीशन किया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे देश के एक एमिनेंट स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं जो हमेशा से देश के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप्स में कई गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न के साथ साथ मिलिट्री एक्सलेंस के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौर भारत के प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी में से एक नेशनल डिफेंस एकेडमी से ग्रेजुएट हैं और इन्होंने 2013 तक इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने 2014 में अपना पहला लोकसभा इलेक्शन जीता था और मौजूदा समय में ये नरेंद्र मोदी सरकार के तहत सूचना और प्रशासन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। सचिन पायलट एक पॉलिटिशियन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं, और हम आपको बता दें कि सचिन पायलट 26 वर्ष की आयु में देश की सबसे कम उम्र के पार्लियामेंट मेंबर हैं, और 6 सितंबर 2012 को सचिन पायलट भारत के पहले यूनियन मिनिस्टर बने जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक से सम्मानित किया गया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।